नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में मेमोरी यूनिट के पार्ट टू को देखेंगे। पार्ट टू अंतर्गत देखें तो हम लोग पार्ट वन में इससे पहले मेमोरी को देख चुके हैं, मेमोरी होता क्या है, और साथ ही साथ यूनिट ऑफ मेमोरी देख चुके हैं कि यूनिट ऑफ मेमोरी को क्या होती है। साथ ही साथ ये देखे हैं कि क्लासिफिकेशन ये कितने पार्ट में होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सबके बारे में चर्चा की है। और इसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक हम लोग देखते हैं आपका ऑप्टिकल डिस्क को। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ एक ओवरव्यू देते हुए यहीं से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है। तो ऑप्टिकल डिस्क आप देखोगे तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है, जो इस प्रकार होता है। गोल डिस्क है ये, ठीक है। ये गोल डिस्क देखोगे तो सेक्टर्स में डिवाइड रहता है, सेक्टर्स में और ट्रैक में डिवाइड रहता है। याद रखिएगा, ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड रहता है, ओके। और सेक्टर्स आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं पिट और आपके लैंड्स, ठीक है। ये पिट और लैंड्स देखोगे तो जब इस पर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है तो उस पर एक लेजर बीम डाला जाता है। जब लेजर बीम उस पर डालते हैं तो एक गड्ढा हो जाता है, वो पिट कहलाता है। और उस गड्ढे के अंदर में कुछ क्षेत्र आपका समतल पार्ट होता है, जो लैंड कहलाता है, ठीक है। ये जीरो और वन बाइनरी डिजिट के दो अंकों को शो करता है, पीट और लैंड, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से ऑप्टिकल डिस्क हम लोग देखे थे। ऑप्टिकल डिस्क में हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स को। तो टाइप्स को बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका डीवीडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीआरडी, याद रखिएगा, और आपका एच वी डी। सीडी को फिर से फर्दर क्लासिफाइड करें तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है आपका सीडी रोम। साथ ही साथ आप दूसरा देखोगे तो सीडी आर, ठीक है, सीडी आर रिकॉर्डेबल, और तीसरा पार्ट आपका सीडी आपका डब्ल्यू आर रीराइटेबल, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में फिर से ये डिवाइड होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका ओवरव्यू मैं दे दिया हूं और इसको डिटेल में मैं पढ़ाया हूं पिछले क्लास में, ओके। पिछला लेक्चर देखिएगा आप, ठीक है हमारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आज बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क आपका एक प्रकार है किसका, ऑप्टिकल डिस्क का। ये एक प्रकार है ऑप्टिकल डिस्क का, याद रखिएगा, ठीक, एक प्रकार है ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क आप इसके अंतर्गत देखोगे तो इसका आविष्कार हुआ था 1982 में, याद रखिएगा। इसका आविष्कार कब हुआ था तो 1982 में हुआ था। किसने किया तो याद रखिएगा, सोनी कंपनी एंड फिलिप्स कंपनी ने इसका आविष्कार किया था, याद रखिएगा, ठीक है। सोनी एंड फिलिप्स कंपनी ने इसका आविष्कार किया। और कॉम्पैक्ट डिस्क का आप देखोगे तो क्षमता इसका आपका एमबी में होता है, एमबी मतलब मेगाबाइट में, और लगभग सब कॉम्पैक्ट डिस्क 700 मेगाबाइट आपका क्षमता शो करते हैं। लगभग 700 मेगाबाइट आपका ये कैपेसिटी अपना शो करता है, मतलब 700 एमबी तक के डेटा यहां स्टोर किया जा सकता है, ओके, ये आपको याद रखिएगा, ठीक। इसमें आप किसी भी डेटा को लिखना या पढ़ना है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखना या पढ़ना है उसके लिए लेजर बीम का यूज किया जाएगा। और ये लेजर बीम देखोगे तो तीनों कॉम्पैक्ट डिस्क के टाइप में देखोगे तो आप इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज करते हैं, ठीक। तो ये लेजर बीम को भी याद रखिएगा। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक टाइप है। इसका आविष्कार 1982 में सोनी एंड फिलिप्स कंपनी ने किया। इसकी क्षमता देखोगे तो ये मेगाबाइट में होता है, और लगभग कितना मेगाबाइट तो 700 मेगाबाइट, याद रखिएगा। इसको इस पढ़ने या लिखने के लिए इसमें आप देखोगे तो लेजर बीम डाला जाता है, उसी के थ्रू आप इसको पढ़ या लिख सकते हो। अब इसके टाइप देखें तो टाइप में हम लोग
तीन टाइप देखे हैं इसके, ठीक है, तीन टाइप। एक आपका सीडी रोम होता है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है आपका सीडी आर रिकॉर्डेबल, सीडी आर। और एक होता है आपका सीडी डब्ल्यू आर, याद रखिएगा, रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसी अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीडी रोम को, तो याद रखिएगा ये सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें याद रखिएगा, इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें कोई भी डाटा को एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला चीज कि इसमें कोई भी डेटा को, कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, याद रखिएगा, एक ही बार ये स्टोर किया जा सकता है। अर्थात आप कह सकते हो कि ये नॉन चेंजेबल होता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको पुनः मिटाया या आपका फिर से लिखा नहीं जा सकता, ये नॉन चेंजेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन चेंजेबल या मतलब आप अपरिवर्तनीय होता है, ये आपको जानना है, ठीक, पहला चीज इसके बारे में। दूसरा चीज आप इसके बारे में देखोगे तो ये इस पर कोई भी फाइल कॉपी किया जाता है, ठीक है, कोई भी सीडी रोम पर कोई भी फाइल कॉपी किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग प्रोसेस, याद रखिएगा। इस पर सीडी रोम पर फाइल कॉपी करने की प्रोसेस, सीडी रोम पर फाइल कॉपी करने की प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, बर्निंग कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, बर्निंग। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है इस चीज को, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है, ये इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 700 MB तक का हो सकता है। और इसमें कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को किससे लिखा जाता है, तो ये इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। इसमें कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन लिखना है या पढ़ना है तो उसके लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। यह देखिए इमेज में आप देख सकते हो कि सीडी रोम, याद रखिएगा, इसमें भी आपका आपका एल्यूमिनियम का एक चमकदार परत रहेगा जो आपका लाइट को रिफ्लेक्शन के लिए, आपका रिफ्लेक्शन के लिए ये यूज होता है। तो ये सीडी रोम हो गया, ठीक। इसका यूज देखोगे तो सीडी रोम का यूज एंटीवायरस, एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस और गेमिंग के लिए होता है, गेम के लिए होता है, याद रखिएगा, एंटीवायरस और गेमिंग के लिए इसका यूज होता है, ये भी आपको जानना है। तो ये एक वर्ड में आप जानोगे तो सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड कर सकते हो, इसमें पुनः लिखा या मिटाया नहीं जा सकता, ये पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन चेंजेबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा सीडी आर, सीडी आर देखोगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये देखोगे तो इसका भी आपका यूज देखोगे तो एक बार किया जाएगा, ठीक, एक बार किया जाएगा, साथ ही साथ इसी को बोला जाता है आपका वाम, वाम, ठीक, वाम मतलब राइट, राइट वंस, राइट वंस, रीड, रीड मेनी या मोर, ठीक, याद रखिएगा। मतलब आप एक बार लिख सकते हो लेकिन कई बार इसको, बार बार इसको पढ़ सकते हो। इसमें ये है आपका सीडी आर, सोनी कंपनी का है, 700 MB इसकी क्षमता है। इसमें कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन आपके हैं उसको इसमें स्टोर करिए, एक बार इसमें स्टोर कर सकते हो, उसको बार बार पढ़ सकते हो, ये आपका सीडी आर का है, याद रखिएगा, सीडी आर। इसी कारण इसको वाम डिस्क भी बोला जाता है, राइट वंस, आपका रीड मेनी। इसका यूज देखोगे तो यूज आपका संगीत के लिए होता है, संगीत के लिए, फिल्म के लिए, पिक्चर जी, इसके लिए। साथ ही साथ इसकी क्षमता देखोगे तो क्षमता कितना, तो 700 MB तक का हो सकता है, इसको भी याद रखिएगा। लेजर बीम इसमें कौन सा,
तो इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है इसमें भी, इसको पढ़ने या लिखने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज। ओके, इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज, ये सी डी आपका आर। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, तो आपका सी डी आर डब्ल्यू। ओके, सी डी आर डब्ल्यू, सी डी आर डब्ल्यू को हम लोग देखते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल इसके, इसका मतलब आपका देखोगे तो नाम से ही देखिए, रीराइटेबल मतलब कई बार लिखा जा सकता है, रीराइटेबल पुनः लिखा जा सकता है, मतलब इसमें ये परिवर्तनीय होता है, इसमें डेटा को मिटा करके फिर से लिखा जा सकता है, मतलब परिवर्तनीय होता है, साथ ही साथ एक बार लिखो फिर से मिटाओ फिर लिखो ये किया जा सकता है, तो ये परिवर्तनीय होता है। दूसरा चीज आप देखोगे तो इसकी क्षमता भी 700 मेगावाइट होगा और इसमें भी आपका कौन सा इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाएगा ये आपको जानना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए सी डी आर डब्ल्यू या इसी को डब्ल्यू आर आर डब्ल्यू दिखा रहता है, ये आपका रीराइटेबल। ओके, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क का सीडी का तीन टाइप हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसके बाद हम लोग डीवीडी, डीवीडी के बारे में बात करेंगे। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल वीडियो डिस्क। डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क। याद रखिएगा, सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका आविष्कार देखोगे तो 1995 में हुआ था, इसका आविष्कार 1995 में हुआ और कौन सी कंपनी ने किया, तो सोनी, याद रखिएगा, फिलिप्स, साथ ही साथ तोशिबा, पानासोनिक, ये सब कंपनियों ने इसका आविष्कार किया है, याद रखिएगा। ओके, 1995 में इसको सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आप देखोगे तो इसकी क्षमता कैसी होगी, तो इसकी क्षमता थोड़ा सा सीडी से ज्यादा है, याद रखिए सीडी से ज्यादा है। और ये आपका देखिए डीवीडी है तो ये आपका ज्यादा क्षमता का डेटा स्टोर कर सकता है और ये डेटा स्टोर दो लेयर में कर सकता है। अगर इसमें डीवीडी में सिंगल लेयर में कोई डेटा स्टोर करना है तो सिंगल लेयर में ये 4.7 जीबी तक का गीगाबाइट, 4.7 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है, और जब इसमें डबल लेयर में करना है तो ये 8.5 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है, याद रखिएगा। तो ये दो लेयर में डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है, सिंगल लेयर और डबल लेयर। सिंगल लेयर में ये 4.7 जीबी और डबल लेयर में ये 8.5, याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसमें लिखने या पढ़ने के लिए कौन सा लेजर बीम यूज किया जाता है, तो रेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। रेड लेजर बीम का यूज किया जाता है, इसको भी आप जानना है। ठीक है, इसका यूज क्यों किया जाता है, यूज किया क्यों किया जाता है, तो यूज आप देखोगे तो आपका फिल्म को डिजिटली स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिल्म को डिजिटली स्टोर करने के लिए आपका इसको यूज किया जाता है। ठीक है, डिजिटली स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए कि ये इमेज है इसका, देखिए सीडी डीवीडी। ठीक, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लू रे डिस्क, बी आर डी, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का आप आविष्कार देखोगे तो 2006 में हुआ था, इसका आविष्कार 2006 में। ठीक है, 2006 में, ठीक, यही सोनी और फिलिप्स कंपनी द्वारा 2006 में ब्लू रे डिस्क, बी आर डी, याद रखिएगा। इसको आप
पढ़ना, इसमें भी दो चीज आएगा, एक तो स्टोरेज और एक क्षमता, है ना, क्षमता स्टोरेज और एक लिखने पढ़ने के लिए कौन सा लेजर बीम, इसको याद रखिएगा। तो इस पहले देख लेते हैं क्षमता को, इसमें आपका डाटा स्टोर करने के लिए क्षमता, ये भी दो लेयर में होगा। ये देखिए ब्लू कलर का, ये जो आपका होता है ये ब्लू कलर का होता है, इसमें आपका डाटा स्टोर करना है तो इसके लिए कौन सा क्षमता का होगा, तो ब्लू रेड इसका में 25 GB, सिंगल लेयर 25 GB से अधिक होगा, और डबल लेयर में देखोगे तो 50 GB से अधिक होगा। याद रखिएगा सिंगल लेयर में 25 GB तक का, 25 GB या उससे अधिक का आपका क्या कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, और डबल लेयर में 50 GB तक का। साथ ही साथ इसमें लेजर बीम कौन सा, तो लेजर बीम ब्लू वायलेट कलर का लेजर बीम आपका यूज किया जाता है, ब्लू वायलेट कलर का लेजर बीम यूज किया जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसका यूज क्या के लिए होता है, तो यूज इसका बैकअप्स के लिए होता है, बैकअप के लिए, ठीक है, डेटा का बैकअप रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, और एक बड़े स्टोरेज के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं HVD, HVD का फुल फॉर्म है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क देखोगे तो ये आपका 2004 में निर्मित हुआ, 2004 में निर्मित हुआ, याद रखिएगा होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। इस ये कौन सी तकनीक पर काम करता है, ये तो होलोग्राफिक ऐसा लिखूं, कोलिनियर होलोग्राफिक तकनीक, ठीक है, कोलिनियर होलोग्राफिक तकनीक पर ये कार्य करता है, इसको भी जानना है, ठीक। इसका आपका क्षमता देखोगे तो क्षमता है ये 6 TB तक का, 6 TB तक का ये क्षमता रखता है। साथ ही साथ इसका आप लेजर बीम देखोगे तो ये 3 कलर में यूज करता है, ब्लू, ग्रीन और आपका रेड, तीनों कलर के लेजर बीम इसमें यूज किया जाता है, तो ब्लू ग्रीन रेड आपका लेजर बीम है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। कोई भी डेटा को लिखना है या पढ़ना है तो इसमें ब्लू ग्रीन और आपका रेड लेजर बीम का यूज किया जाता है, तो 3 कलर का, इसमें ब्लू वायलेट, उसमें देखोगे तो रेड, DVD में रेड, और आपका CD में देखोगे तो इंफ्रा रेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। सबका क्या क्षमता जानना है, स्टोरेज कौन सी तकनीक पर कार्य करता है, किसको कौन से नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपका इसको सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से जाना जाता है, और आपका देखोगे तो इसको वार्म डिस्क के नाम से जाना जाता है, CDR को, इस तरीके से अलग अलग हम लोग इसको देखे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इससे संबंधित MCQ देखेंगे क्या होता है, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन के रूप में देखें तो CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैं पढ़ाया हूं कि CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, आप बताइए, फिर मैं एक 10 सेकेंड बाद इसका आंसर देता हूं, कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। इसी तरह देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, पहले सही है को आप अंडरलाइन करें, छोटे से बड़े क्रम में, मतलब आपका देखोगे तो एसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है इसको, छोटे से बड़े, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े, एसेंडिंग ऑर्डर में आपका व्यवस्थित करना है। तो देखिए मैं बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि आपका यूनिट ऑफ मेमोरी, और यूनिट ऑफ मेमोरी में आप देखते हो तो सबसे सूक्ष्मतम यूनिट है आपका बीट, उसके बाद बीट से मिलकर के बनता है निबल, 4 बीट मिलकर के निबल बनता है, फिर आप देखोगे निबल से बनेगा बाइट या 8 बीट बनकर के बाइट,
फिर बाइट से किलोबाइट केबी, फिर मेगाबाइट, ठीक है, फिर आपका गीगाबाइट जीबी, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसी में हम लोग देखते हैं ये बढ़ते क्रम है, इसी अंतर्गत हम लोग देखे हैं। तो बिट चारों में है, ठीक। उसके बाद बिट के बाद क्या आना चाहिए, निबल। तो निबल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी तो गलत हो गया, इसमें भी है। फिर देखेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, बाइट आना चाहिए। तो ये बाइट है, ये एमबी है, ये भी गलत, टीबी है, ये भी गलत, बाइट मतलब ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप सॉल्व भी करोगे, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा भंडारण क्षमता, आपका स्टोरेज कैपेसिटी 25 जीबी या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। आप आंसर रिप्लाई करें, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और सीडी। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। आप जानते हो कि दो लेयर में करता है, सिंगल लेयर 25 जीबी से अधिक और डबल लेयर 50 जीबी से अधिक। आप डीवीडी देखते हो तो डीवीडी भी आप जानते हो, इसमें 4.7 जीबी से अधिक और इसमें 8.5 जीबी से अधिक। सीडी देखते हो तो 700 एमबी। इस तरीके से हम लोग सबका स्टोरेज देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। सबसे पहले नहीं है को देखो, नहीं है पूछा है। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आता। ऑप्टिकल डिस्क में हम लोग इसको पढ़े हैं, इसको भी पढ़े हैं, इसको वाम डिस्क इसको बोलते हैं, ये है आपका CDR को बोलते हैं वाम डिस्क। विनचेस्टर डिस्क ये नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार में आता है, मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार में आता है, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर सीरीज में और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आएंगे अभी, और उससे जुड़े रहने के लिए हमारे कोको के आपके यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।